मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। आइए आज के इस शाम के वक्त में हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु आज अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करें और हमारे परिवार की भी रक्षा करें, हमारे घर के हर एक सदस्य की रक्षा करें। तो आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु जी, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। पिता आपने हमें संभाल के रखा, हमारे परिवारों में हर एक लोगों को संभाल के रखा, आशीष दिया मेरे खुदावंद। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप स्तुति और महिमा के योग्य हैं, आप आदर और सम्मान के योग्य हैं मेरे पिता। प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं। पिता आपने महान महान कार्य किए मेरे खुदावन, आपने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रभु जी दुखों को उठाया, क्रूस को सहा मेरे प्रभु यीशु जी, आपने हमारे लिए लहू बहाया, जान दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु जी। प्रभु यीशु आज के इस रात में पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने परिवार के लोगों को और इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन को, हर एक माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन प्रभु जी। आज के इस रात में मेरे प्रभु जी हर एक भाई बहन के, माता पिताओं को, हर एक परिवार के लोगों को प्रभु जी आज तो सुरक्षित रख, उन्हें प्रभु जी हर एक प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से, जादू टोने की शक्तियों से, विषैले जीव जंतुओं से प्रभु जी आज के इस रात में उन्हें बचा के रख। क्योंकि प्रभु जी आपने बोला है, ना तो तुम्हें रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में उस चलने वाली उस बाँध से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। हाँ मेरे प्रभु जी हमें कोई भी चीज़ से प्रभु जी ना तो भय लगेगा, ना तो मेरी हानि होगी मेरे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ चलते हैं। प्रभु जी आपने बोला है, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ ना होगा। मेरे प्रभु जी आप हमें संभालते हैं, आप ही हमें प्रभु जी बल प्रदान करते हैं, आप ही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें बोला, अपने वचनों में वादा किया मेरे पिता कि प्रभु जी तेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तेरे डेरे के निकट ना आएगी। मेरे खुदावन हम आपके इस वचनों पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी कि हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, हमारे ऊपर, हमारे घरों के ऊपर कोई भी महामारी ना आएगी मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप ही हमें संभालते हैं मेरे पिता। आप ही हमारे घरों के ऊपर पवित्र आत्मा का बाड़ा लगाए रखते हैं मेरे खुदावन। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, प्रभु जी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आप अपने दूतों को आदेश देते हैं, वे हमारी रक्षा करें मेरे खुदावन। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस रात में मेरे खुदावन, हर एक माता पिताओं के घरों पर प्रभु जी, जितने भाई बहन सुन रहे प्रार्थना को कर रहे मेरे खुदावन, उनके घरों के ऊपर पवित्र आत्मा का बाड़ा लगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवार में हर एक लोगों को हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या से मेरे खुदावन पिता आज तो उन्हें संभाल के रख मेरे प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग रोज इस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा और आपके परिवारों को रात में सुख शांति की नींद प्रदान करेगा।